नमस्कार मित्रों, हितोपदेश की कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। प्रारंभ का वीडियो याद कीजिए, कथा कहां से शुरू हुई थी। लघुपतनक नाम का कौवा, वो काग प्रातःकाल उठते ही एक शिकारी को आते हुए देखता है और कहता है कि आज तो दिन खराब हो गया, सुबह सुबह अठहन हो गई। और फिर उसी शिकारी के साथ साथ वो चल दिया था, उसने ये पूरा दृश्य देखा है कि किस प्रकार से चित्रगीव और उसके साथी जाल में फंसे और किस प्रकार से हिरण्यक ने उन सबको जाल में से छुड़ा दिया। लघुपतनक को लगा कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि एन केन प्रकारेण यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानी शतानी चा, जैसे भी हो 100 मित्र तो बनाने चाहिए, ये जो बात है बिल्कुल सही है। और हिरण्यक जैसा अगर कोई व्यक्ति मित्र बन जाए, हिरण्यक जैसा अगर कोई अपना मित्र हो, जिसने मित्र की आपत्ति को अपनी आपत्ति मान करके और उसको उसमें से बचा लिया, तो वो लघुपतनक नामा का कहा सर्ववृत्तांत दर्शी साश्चर्यमिदम आ, वो लघुपतनक नाम का कौवा जिसने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, वो इसको देखने के बाद साश्चर्यम अत्यंत आश्चर्य के साथ कहता है, अहो हिरण्यक, वाह हिरण्यक, वाह, श्लाघ्योसी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अतो अहमपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूं। अतो माम मैत्रेण अनुग्रहितम अर्हसि, इसलिए मुझको अपनी मित्रता से अनुग्रहित बनाओ। वो लघुपतनक हिरण्यक के इस व्यवहार को देख करके, कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनको माता पिता और मित्र की कक्षा में कभी ने रखा है कि ये अहेतुक हितैषी होते हैं, मतलब ये आपसे ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि उन्होंने आपके लिए जो किया उसके बदले में आप क्या उनके लिए कर रहे हैं, ये उस प्रकार के हितैषी होते हैं। लेकिन ये तो अनुभव आपको भी होगा कि सभी मित्र तो ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मित्र आप उनके यहां पहुंचे उससे पहले ही उनको लगता है कि अभी तो कुछ ना कुछ किसी काम की वजह से आया है, तो आगे पीछे होने लग जाते हैं, शुरुआत से उनकी चर्चा नहीं हो रही। यहां लघुपतनक ने हिरण्यक को पूरी मेहनत करके सारे कबूतरों को जिस प्रकार से छुड़ाते हुए देखा है, वो प्रशंसा करता है, अहो हिरण्यक श्लाघ्योसी, अरे हिरण्यक तुम धन्यवाद के पात्र हो। और फिर कहता है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति से मैं भी मित्रता करना चाहता हूं, मेरे साथ मित्रता करके मुझे अनुग्रहित करो। एतच्छुत्वा हिरण्यकोपि विवराभ्यंतराद आह, अब कौवे की ये बात सुनी तो भैया चूहा जो है बिल के अंदर से ही उससे कहता है, बाहर तो नहीं निकल सकता है, कौवा खा जाएगा। तो विवराद आभ्यंतराद आह, विवर के अंदर से ही उससे कहता है, कस्त्वम, भैया मुझसे मित्रता चाहने वाले तुम हो कौन। तो लघुपतनक कहता है, लघुपतनक नामा वायशो अहम, अरे मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूं। हिरण्य को विहस्याह, अब हिरण्य जोर से हंसता है और फिर कहता है, का त्वया सह मैत्री, भैया तुमसे कैसी मित्रता, तुम मुझसे मित्रता चाह रहे हो पर तुमसे मित्रता संभव कैसे है, कहां तुम काक और कहां मैं मूषक, हमारे दोनों के बीच में कोई मतलब समानता है ही नहीं, जबकि शास्त्र ये कहते हैं, यद्येने युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत, भाई जो जिससे जुड़ सकता है, बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो उसी प्रकार से उसी के साथ में उसको जोड़ते हैं। अहम अन्नम भवान भोक्ता, मैं अन्न हूं और आप हमारा भोजन करने वाले हैं, कथम प्रीतिर भविष्यति, भैया हमारी आपकी काय की मित्रता,
भाई कैसे प्रेम हो सकता है? समझदार वही है भाई, एक ट्रैक्टर का पहिया लगाओ और एक साइकिल का पहिया लगाओ तो कैसे चलेगा? अगर दोनों पहिए लगाने, या तो दोनों साइकिल के लगा दो या दोनों ट्रैक्टर के लगा दो। तो एक जैसे होते हैं, उनके बीच में तो सब कुछ सीधा सीधा चलता है, अच्छा अच्छा चलता है, लेकिन जो जिससे जुड़ ही नहीं सकता है उसको अगर उसके साथ जोड़ोगे तो परिणाम क्या आएगा? मैं अन्न हूं, यानी मैं भोजन हूं, और आप भोजन करने वाले हो, भाई कौवा तो चूहे को खा जाता है, तो मैं ठहरा भोजन और आप ठहरे भोक्ता, हम दोनों के बीच में ये मित्रता कैसे संभव है? ये प्रीति कैसे संभव है? भक्ष भक्षक की ओर प्रीति विपत्ति रेव कारणम। भैया भक्ष और भक्षक के बीच की जो प्रीति है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुश्किल के कारण होता है। श्रृगालात पास बद्धो सौ मृग का केन रक्षिता। श्रृगाल से मित्रता की तो हिरण बंधन में पड़ गया, वो तो कौवा उसका मित्र था जिसने उसको बचा लिया। तो हिरण कहता है ये कौन सी कथा है, ये क्या बात है, कथम एतत्? हिरण ने कहा कथयति। तो हिरण ने के वो कथा सुनानी शुरू करता है। तो भैया यही तो हितोपदेश की मजा है, एक कथा में दूसरी कथा, दूसरी कथा में तीसरी कथा, और ये चलता ही रहता। लघुपतनक हिरण्यक से कहता है क्या कह रहे हो, मुझे पूरी कथा सुनाओ। क्योंकि हिरण्यक ने कहा कि भक्ष और भक्षक के बीच की जो प्रीति होती है वो सिर्फ और सिर्फ विपत्ति का कारण बनती है। कथा सुनानी करता शुरू करता है। अस्ति मगध देशे चंपकवती नामारण्यानी। भाई मगध देश में चंपकवती नाम के जंगल है, बहुत बड़ा जब जंगल होता है तो उसको बहुवचनांत प्रयोग करते हैं। आप अरण्य तो एक ही है, जंगल तो एक ही है, तो बहुवचनांत प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसमें अलग अलग जंगलों के समूह हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं चंदनों के बहुत सारे वृक्ष हैं चंदन के, तो उसको चंदन वन कह दिया जाएगा। कहीं बहुत सारे नीम के वृक्ष होंगे तो उसको आप नीम का जंगल कह सकते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों के अनुसार भी, पक्षियों के अनुसार भी, वृक्षों के अनुसार भी, क्योंकि जहाँ एक नीम का पेड़ होगा तो उसके आसपास उसी के बीज गिरेंगे। जंगल में अलग अलग तो आप पौधे लगाने जाते नहीं हैं, तो उसी का समूह विकसित होता है। तो जंगल में जहाँ एक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, फिर उसी प्रकार के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका बहुवचनांत प्रयोग होता है। तो अस्ति मगध देश से, मगध देश में चंपकवती नाम का नाम के जंगल हैं। तस्याम चिरान महता स्नेहेने मृग काको निवसता। वहां बहुत समय से एक कौवा और एक मृग जो परम मित्र थे एक साथ रहा करते थे। सच मृग स्वेच्छया ब्राह्म्यन हृष्ट पुष्टांग केनचित श्रृगालेन अवलोकिता। अब उस मृग को वहां जंगल में जो अपनी मर्जी से खाता, अपनी मर्जी से पीता, अपनी मर्जी से विचरण करता, किसी प्रकार का बंधन नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं, तो ऐसा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हुआ था मलंग खा खा के, कि जब किसी श्रृगाल की उस पर दृष्टि पड़ी तो उसके तो मुंह में पानी आ गया। तम दृष्ट्वा श्रृगालो अचिंत्य। उसको देख करके वो श्रृगाल सोचने लग गया, आह कथम एतन मांसम सुललितम भक्ष्यामि। इसका मांस कितना अच्छा होगा, और इसकी इस मांस को मैं कैसे खा पाऊं, कौन सा ऐसा उपाय हो जो इसका मांस खाने को मिले। भैया ये जिंदगी में लोगों का स्वभाव होता है, लोग अपनी आंखों से वस्तु को देख के उसका मूल्यांकन और उसके प्रति अपनी स्पृहा हमेशा जागृत कर लेते हैं। यही श्रृगाल के साथ हुआ है। जैसे हम कुछ भी देखते हैं, छोटा बच्चा है वो आइसक्रीम देखता है किसी को खाते हुए, तो ये आइसक्रीम खा रहा है उसको कैसा टेस्ट आ रहा होगा मुझे खाने को मिले, यानी मानसिक रूप से उसका एक जो आनंद है
वो लेने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ही उसको प्राप्त करने की किस प्रभा मन में आ जाती है, वही यहां इसके साथ हुआ है। ये श्रृगाल जब उस हृष्ट पुष्ट तंदुरस्त मलंग जैसे उस मृग को देखता है तो उसको लगता है कि कैसे मांस के लिए शब्द का प्रयोग किया, सुललितम, आहा कितना मस्त इसका मांस होगा, लेकिन वो कैसे खाने को मिलेगा, भवतु, ठीक है ठीक है। अब ऐसे लोग बड़े जुगाड़ी होते हैं, बड़ा विचार करते हैं, विश्वासन तावद उत्पाद्य, मैं पहले इसके ऊपर विश्वास, यानी इसका विश्वास पात्र बनता हूं, इसके हृदय में अपने लिए विश्वास उत्पन्न करता हूं और फिर करूंगा किसी दिन विश्वासघात। ऐसे लोग तो विश्वास पैदा ही इसलिए करते हैं कि किसी को विश्वासघात किया जा सके। इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत, मन में ये सब विचार करके पूरी कल्पना के घोड़े दौड़ा के और एक प्लानिंग बना करके, और फिर वो उस मृग के पास जाता है, उससे कहता है मित्र कुशलम ते, अरे मित्र आप सकुशल तो हैं, मृगेण उक्तम कस्तो, अरे भैया तुम कौन, मैं तो आपको जानता नहीं हूं, आप मुझसे कुशल समाचार पूछ रहे हैं पर आप हैं कौन। सबरूते, तो जो जम्बूक था, वो जो शियार था, वो उससे कहता है क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बू को, क्षुद्र बुद्धि नाम का मैं जम्बू को। देखिए भैया, जीवन में अगर आप किसी समस्या में नहीं पड़ना चाहते हैं तो लोगों के नाम पे भी थोड़ा गौर कर लिया कीजिए। कथाओं में तो बिल्कुल ऐसा पाया जाता है कि जैसा जिसका नाम होता है कुछ उसका स्वभाव भी उस प्रकार का होता है। मैंने एक नाम के ऊपर, बहुत छोटा था तब, शायद मैं 9th में पढ़ा करता था, पर एक साइंटिफिक लेख पढ़ा था और उसमें यह दिया गया था कि कोई व्यक्ति किसी शब्द को जब बार बार कान से सुनता है ना, तो उसकी असर उसके माइंड पे अवश्य पड़ती है। अपने बच्चों के नामकरण में इसीलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी लल्लू पंजू जैसे नाम नहीं रखने चाहिए, और जो नाम आप रखते हैं उसकी कहीं ना कहीं असर उसके स्वभाव पे अवश्य पड़ती है, या फिर समाज में उसका जो नामकरण हुआ है उस नाम से उसको बुलाया ही नहीं जाता होगा, किसी अन्य नाम से लोग बुलाने लग गए होंगे, क्योंकि यथा गुणा तथा नामा भी फिर लोग बाग उसका प्रयोग कर लिया करते हैं। यह इसका नाम ही है क्षुद्र बुद्धि। कहता मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का जम्बूक हूं, अत्र अरण्य बंधुहीनो मृतवन निवसामि, इस जंगल में मेरा कोई साथी, कोई मित्र, कोई सखा, कोई संबंधी, कोई नहीं है, इसलिए मैं मरे की तरह रहता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास आपका समूह है, अगर आपके साथ आपका परिवार है, तो आपको एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है, आपके पास एक गोल होता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, इसके लिए करना है, इसलिए करना है। लेकिन जब कोई आपके आसपास ही नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा था, या तो आप मोदी जी हो जाइए, योगी जी हो जाइए, जिन्हें अपनों से कोई लेना देना नहीं है, जो पूरे समाज को ही अपना मान लेते हैं, पूरे राज्य को ही अपना मान लेते हैं, पूरे देश को अपना मान लेते हैं, देशवासियों को अपना मान लेते हैं, हर व्यक्ति का सुख, हर व्यक्ति का दुख, उनका अपना सुख दुख हो जाता है, लेकिन सामान्यतः ये सबके लिए संभव नहीं है। वो क्षुद्र बुद्धि नाम का जम्बू कहता है, यहां जंगल में बंधुहीन, जिसका कोई साथी, कोई सखा, कोई मित्र, कोई घर परिवार का नहीं है, मृतवन निवसामी, मरे हुए की तरह रहता हूं, क्योंकि अकेले अकेले तो बड़ा कंटाला आता है। इदानीं त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः सबंधु जीव लोकम प्रविष्टोस्मि, आज तुम्हें मित्र के रूप में प्राप्त करके मैं फिर से बंधु बांधो वाला हो करके, और जैसे फिर से मुझ में प्राणों का संचार हो गया हो, मैं फिर से जीव लोक में प्रवेश कर गया हूं, इस प्रकार से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब आप एक चीज समझिए, ये भी एक स्टाइल है सामने वाले को फंसाने के लिए।
मैं आपकी मित्रता चाहता हूं। लघुपतनक ने तो हिरण्यक से कहा कि मुझे आपकी मित्रता चाहिए, आप मुझे अपना मित्र बना लो। इनने ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा कि आप मुझे अपना मित्र बना लो, इनने तो सीधा कह दिया कि आज आपको अपने मित्र के रूप में प्राप्त करके। होते हैं कुछ लोग ये वाक चातुर्य रखते हैं, ये वाक चातुर्य कई बार काम करता है, कई बार नहीं भी करता है। अब यहां तो मृग जैसा सीधा प्राणी उससे ये कहता है कि आपको मित्र के रूप में प्राप्त करके पुनः मैंने जीवलोक में प्रवेश किया है, बाकी तो मैं बस मरे के समान था। अधुना तब अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम्, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे अनुचर, अनु इतले पश्चात चरती थी, अनुचरा आपके सेवक की तरह मित्र बनाया है। लेकिन भैया मित्रता तो बराबर वालों में होती है, या मैं हमेशा आपके अनुचर की तरह आपके साथ रहूंगा। मृगेण उक्तम एव मस्तु, भैया जैसी आपकी मर्जी एव मस्तु कह दिया उसने। ततः पश्चात अस्तंगते सवितरी भगवती मरीच मालिनी तौ मृगस्य वास भूमिं गतो। अब सायंकाल हुई तो मृग जहां रहता था, जिस वृक्ष के ऊपर वो कौवा भी रहा करता था, वहां जाकर के पहुंच गए। अब कौवे ने दूर से ही देखा कि भैया गए तो अकेले थे और ये तो किसी को साथ लेके आ रहे हैं। तो जब सूर्यास्त को गया तो शाम के समय मृग की वास भूमि पे दोनों आकर के पहुंचते हैं। तत्र चंपक वृक्ष शाखायाम सुबुद्धि नामा काको मृगस्य चिरमित्रम निवसति। वहां चंपक वृक्ष की डाली पे सुबुद्धि नाम का कौवा, जो इस मृग का बहुत पुराना मित्र था, वो रहा करता था। तव दृष्ट्वा काको, दोनों को उस कौवे ने देखा तो कौवा बोला सखे चित्रांग। अब देखिए मृग का नाम चित्रांग है, बड़ा सुंदर है, इसलिए उसको चित्रांग कहा गया है। ये कौवा इसको सुबुद्धि नाम कहा गया है क्योंकि वो अच्छे अच्छे विचार रखता है। कोयम द्वितीय, अरे भैया आपके साथ ये दूसरा कौन है? मृगो ब्रूते जम्बुकोयम। तब मृग ने कहा भैया ये सियार है। अस्मत सख्यम इच्छन आगतः, ये हमारी मित्रता चाहता है इसलिए यहां आ गया है। काको ब्रूते, तब कौवा कहता है मित्र अकस्मात आगंतुनाशः मैत्री ना युक्ता, भाई अचानक कोई आ जाए उसके साथ मित्रता नहीं की जाती है। कोई भी आ गया, आपसे कहा कि मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूं और आपने उसकी बात भी मान ली, अरे ऐसे कोई मित्रता हुआ करती है? अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेव न कस्यचित मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृद्धो जरद गवाह। देखिए अज्ञात कुलशील का कोई व्यक्ति हो तो उसको कभी भी अपने यहां निवास स्थान नहीं देना चाहिए। हमारे एक तरफ कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, यानी शास्त्रों ने यहां तक कहा है कि सभी देवता अतिथि में निवास करते हैं। अतिथि की कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, अतिथि तो अतिथि होता है। यहां तक कि एक मनुष्य के यहां कोई पक्षी भी अतिथि के रूप में आ सकता है, किसी पक्षी के यहां कोई मनुष्य भी अतिथि के रूप में पहुंच सकता है। महाभारत में भी इसकी कथा आती है, अन्यत्र भी इसकी कथा आती है। एक कबूतर कबूतरी था, उसके यहां एक शिकारी पहुंच गया अतिथि के रूप में। तो एक तरफ अतिथि देवो भव कहा जाता है, एक तरफ नीति शास्त्र ये कहता है कि अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेव न कस्यचित, जो अज्ञात कुलशील वाला हो उसको कभी भी अपने यहां निवास स्थान नहीं देना चाहिए। तो भैया अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो पहले ऐसी अपेक्षा लोग नहीं रखा करते थे अतिथि लोग कि हम आपके घर में आए हैं, आप अपने घर में जहां एसी चल रहा है उस रूम में हमें सुलाएं। तब आतिथ्य सत्कार का अर्थ ये होता था कि कोई व्यक्ति आ गया है, उसको एक खाट दे दो जिस पे वो विश्राम कर पाए, या ऐसी जगह दे दो जहां वो लेट पाए। ये अपेक्षा नहीं रखता था कि आप अपने घर के अंदर ही उसको सुला दो, हां उसके भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो जानी चाहिए, ये जवाबदारी हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, आजकल तो आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हर 10 कदम पे आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। आज से
कुछ वर्षों पूर्व यानी मैं अपने ही जीवन काल की बात करता हूं, ऐसा नहीं हुआ करता था। यानी शहर में 2, 4, 5, 10 दुकानें तो हुआ करती थी, गांव में एक आध दुकान भी मुश्किल से होती थी जहां आपको भोजन मिल जाए, रहने के लिए होटल, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती। तब ये आतिथ्य सत्कार में ये चीजें बड़ी जरूरी हुआ करती थी। पहले तो लोग सत्तू बांध के घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि पता चला कि मीलों चले जाओ और कुछ नहीं मिलता था आपको खाने पीने के लिए। आजकल तो 10-10 कदम पे मिल जाता है। आप हाईवे पे भी चल रहे हो तो एक आधा किलोमीटर ऐसी जगह नहीं जाएगी जहां कोई होटल आपको ना मिले। तब ऐसी अवस्था नहीं थी, ऐसी स्थिति नहीं हुआ करती थी, इसलिए उस समय ये बड़ा जरूरी था। आज तो आप देख सकते हैं कि कौन किसके यहाँ अतिथि बनना चाहता है, और बनना भी चाहे तो कौन किसको अतिथि के रूप में रखना चाहता है। चलिए अब ये जो वृद्ध गृद्ध किस प्रकार से मारा गया उस बिल्ली के चक्कर में, ये कथा उस सुबुद्धि नाम का कौवा उस मृग को सुना रहा है। चलिए ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हितोपदेश है ये।